Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Dikshit Soni and you are watching The Incomplete Diary. So, आज के जो ये ब्लॉग होने वाला है वो स्पेशली है रॉयल इनफील्ड के कस्टमर्स के लिए जो कि अपनी बाइक की इंश्योरेंस को रीन्यू करवाना चाहते हैं. तो उनके लिए मैं ये ब्लॉग लेके आया हूँ और इस ब्लॉग में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी बाइक की इंश्योरेंस को खुद रीन्यू कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू आरी डीलरशिप और एनी थर्ड पार्टी लाइक इंश्योरेंस प्रोवाइडर लससे एको और पॉलिसी बाजार. तो इन पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. बिना इन पोर्टल्स पे जाए और बिना आरी की डीलरशिप पे जाए आप अपनी बाइक की इंश्योरेंस को रिन्यू करवा सकते हैं, वो भी काफ़ी इजीली. और ये जो आपकी इंश्योरेंस रिन्यू होगी वो खुद रॉयल इनफील्ड के पोर्टल से होगी जो डीलरशिप करते हैं. तो इसके लिए मैं आपको एंड टू एंड तक पूरा गाइड करूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन इस इंश्योरेंस को कर पाओगे और कैसे आप इस इंश्योरेंस के पूरे बेनिफिट्स ले पाएंगे. सो गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा. इस पोर्टल के बारे में मुझे पता लगा था लास्ट ईयर. मैंने रॉयल इनफील्ड की मीटियोर बाइक ली थी 2 साल पहले और लास्ट ईयर जब मेरी बाइक का इंश्योरेंस रिन्यूअल आया था तो मुझे आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से, जो कि इनके मेन ब्रोकर हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज आया था कि इट्स टाइम टू रिन्यू योर बाइक इंश्योरेंस और मुझे एक लिंक आया था मैसेज पे. जब मैंने उस मैसेज के लिंक को फॉलो किया तो उन्होंने मुझे अपने पोर्टल में लॉगिन किया बाय एंटरिंग माय इंजन एंड चेसी नंबर एंड माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स. जब मैं वहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे सेवरल ऑप्शंस हैं, सेवरल इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड हैं जिनमें से मैं चूज़ कर सकता हूँ वेदर आई नीड टू गो विद माय एग्जिस्टिंग इंश्योरर और मैं नया कोई इंश्योरेंस कंपनी भी वहाँ से चूज़ कर सकता हूँ. और वो सारी इंश्योरेंस कंपनी के कोटेशंस वहाँ पे लिस्ट किए गए थे. तो इस बार भी मेरी इंश्योरेंस रिन्यू होने वाली है तो मैंने सोचा कि उस पर एक ब्लॉग बनाया जाए और आप सभी को गाइड किया जाए. तो लास्ट ईयर भी मैंने मुझे कुछ डाउट थे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग तो मैंने जो ऑथराइज डीलरशिप है उसमें भी कॉल किया था और उनसे कोटेशंस और प्रपोजल्स मंगवाए थे इंश्योरेंस के. तो उन्होंने वो मुझे भेजे थे और मैंने उनको कंपेयर भी किया था इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू. सो गाइज, ऑन रिव्यूइंग बोथ द प्रपोजल्स फ्रॉम द ऑनलाइन पोर्टल और आर ई डीलरशिप, तो मैंने क्या देखा कि एक जो अमाउंट का डिफरेंस था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था एंड जो ऑनलाइन अमाउंट था सेम इंश्योरेंस का मैग्मा एसटीआई का बहुत ही कम था जो कि उन्होंने मुझे कोट किया था डीलरशिप ने अपने प्रपोजल में. तो ऑलमोस्ट 1500 रुपये का डिफरेंस था जब मैंने लास्ट ईयर रिन्यू की था अपने इंश्योरेंस को और सब कुछ सेम था. और जब मैंने इसके बारे में डीलरशिप से फ़ोन पर बात की कि लाइक ऑनलाइन मुझे डिस्काउंट मिल रहा है आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो उनका एक काफ़ी सिली रिप्लाई मुझे आया था कि लाइक वो डिस्काउंट ऑफर नहीं करते हैं. सो भाई, मैं आपको इन दैट यही कहना चाहूँगा कि लाइक जब ऑनलाइन कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है तो वाई नॉट गो विद द ऑनलाइन पोर्टल, जबकि वो दोनों चीज़ें सेम है. जो प्रपोजल आप अगर उनसे मंगवाएंगे और वो मैच करेंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, बस लास्ट अमाउंट का फ़र्क होगा जो आपको ऑफर कर रहे हैं. तो आरी डीलरशिप आपको कोई डिस्काउंट नहीं ऑफर करेगा बट ऑनलाइन आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे. और ऑलमोस्ट 14 कंपनी वहाँ पे लिस्टेड हैं, सभी के आप प्रपोजल्स रिव्यू कर सकते हैं और जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे रहे हैं उसके साथ आप जा सकते हैं. तो अभी देरी ना करते हुए मैं ले चलूँगा आपको सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ताकि मैं आपको पूरा गाइड कर पाऊँ कि कैसे कैसे आपको इसके इस प्रोसेस के साथ प्रोसीड करना है. तो वीडियो के एंड तक बने रहें और जो भी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको गाइड बताऊँगा उसको ज़रूर फॉलो करें ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना कर पाएँ और एट द एंड आप मैक्सिमम बेनिफिट के साथ अपनी इंश्योरेंस को रिन्यू करवा लें. तो एंड तक बने रहिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा बिकॉज ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ. तो मिलते हैं आपको सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड सी ओवर देयर. गाइस, मैं अभी अपने सिस्टम पे हूँ और स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को. तो अभी आपको ले चलते हैं इंश्योरेंस पोर्टल की तरफ. तो जैसा कि आप गूगल क्रोम खोलेंगे और उस पर आपको सबसे पहले सर्च करना है आदित्य बिरला आर ई पोर्टल.
आरई पोर्टल सर्च करते ही आपके पास पहला लिंक आएगा re.adityabirlainsuranceblockers.com। ये सेम पोर्टल है जो आरई के जो ऑथराइज डीलर्स हैं वो यूज करते हैं आपकी बाइक की इंश्योरेंस करने के लिए। तो उनके पास इनका अकाउंट होता है, वो अपने अकाउंट लॉग इन करके उसमें से आपको प्रपोजल भेजते हैं। इसके साथ ही आपको नीचे एक नया ऑप्शन दिखने को मिल जाता है जहां पे है, अगर आप आरई के कस्टमर हैं तो आप डायरेक्टली अपनी इंश्योरेंस को रिन्यू कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर। तो जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो ये आपसे कुछ चीजें मांगेगा, जैसे कि आपका इंजन नंबर, चेसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर। तो आपको इनको ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, और अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके बाइक के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो आप इंजन नंबर, फ्रेम नंबर या चेसी नंबर डाल के आपको अपना मोबाइल नंबर हिट करना है और ये आपको लॉग इन कर देगा सिस्टम में। तो मैं अभी जल्दी से अपना इंजन चेसी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और आपको इस पोर्टल के अंदर ले चलता हूँ। सो लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड, मैं अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, देन वी विल कंटिन्यू। सो गाइस, सिस्टम में मैंने कर लिया है लॉग इन। अभी मैं आदित्य बिरला कैपिटल के पोर्टल में एंटर हो चुका हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपना इंजन नंबर, चेसी नंबर और मोबाइल नंबर डालना है। एक ओटीपी आपको आएगी, आप उस ओटीपी को जब एंटर करोगे तो आपको ये सेम पोर्टल यहां पे दिख जाएगा। तो नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, अगर आपकी इंश्योरेंस ऑलरेडी चल रही है आरई के पोर्टल पे या बाइक की, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी प्रीवियस पॉलिसी कौन सी है और आपका प्रीवियस पॉलिसी पीरियड क्या है। अगर आपके पास प्रीवियस पॉलिसी नहीं है या एक्सपायर हो चुकी है तो आप यहाँ पे नो प्रीवियस पॉलिसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। तो मेरी जैसे लास्ट इंश्योरेंस थी मैग्मा HDI से, और ये लास्ट मैंने एक ईयर करवाई थी और ये मुझे पड़ी थी आई थिंक 1500 के आसपास। और सेम इंश्योरेंस मुझे मैग्मा HDI की ऑथराइज सर्विस सेंटर से मिल रही थी 3200 रुपए के आसपास। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा था, बिकॉज जो ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले होंगे भाई, ऑथराइज डीलर्स होंगे, वो आपको कभी भी डिस्काउंट नहीं देंगे जो डिस्काउंट आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा, और वो आपको एक ही प्रपोजल बना के देंगे। वो ये आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कितनी इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड हैं, तो वो आपको सिर्फ एक प्रपोजल देंगे जो सबसे महंगा होगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप उसी को चूज कर पाएंगे। बट इस पोर्टल में आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आप वन बाय वन इन सभी पोर्टल्स, इन सभी कोटेशंस को देख सकते हैं हर एक कंपनी की, उनको कंपेयर कर सकते हैं और जो इंश्योरेंस आपको सबसे सस्ती पड़ रही हो वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कि जैसे कि ये ऑलरेडी रिव्यू कर लिया है और मैं आपको ले चलता हूँ कि जो मैंने अभी रिव्यू किया था इस सिस्टम को, तो यहाँ पे मैंने हर कंपनी की डिटेल निकाली है कि वो कंपनी मुझे क्या बेनिफिट दे रही है और क्या इंश्योरेंस अमाउंट है, ये आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मेरे को इंजन प्रोटेक्शन चाहिए, तो इंजन प्रोटेक्शन के साथ मुझे ये जो 7 कंपनियां हैं वो ऑफर दे रही हैं, और विदाउट इंजन प्रोटेक्शन मेरे पास ये लिस्ट है जो कंपनीज इंजन प्रोटेक्शन नहीं दे रही हैं। और ये जो जितनी भी लिस्टिंग है ये सारे बंपर टू बंपर हैं, निल डेप्रिसिएशन के साथ। द टॉप 7 आर विद इंजन प्रोटेक्शन और बॉटम वंस विदाउट इंजन प्रोटेक्शन। सो मैंने इनको प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया है। तो सबसे सस्ती जो इंश्योरेंस मुझे पड़ रही है विद इंजन प्रोटेक्शन वो है यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड। तो भाई इंजन प्रोटेक्शन के साथ निल डेप्रिसिएशन और बाइक की जो IDV है वो आपको सेम रहने वाली है सभी इंश्योरेंस कंपनीज की। और अगर आप आरई ऑथराइज डीलर में भी जाएंगे तो भी आपको वो भी आपको सेम ही बाइक की IDV देंगे। तो जो भी मेरी बाइक की IDV चल रही है, तो मैं जैसे कि यूनिवर्सल सोम्पो के साथ जाता हूँ क्योंकि ये मुझे परचेज करना है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सोम्पो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेक श्योर करना भाई, आप नील डेप्रिसिएशन जरूर सिलेक्ट करें। अगर आप आपको इंजन प्रोटेक्शन चाहिए तो आप इंजन प्रोटेक्शन भी सिलेक्ट करें। देन आपको यहाँ पे अपना बाइक का नंबर डालना है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर रजिस्टर्ड होगा तो वो ऑलरेडी आपका उठा लेगा। तो यहाँ पे मैं बाइक का नंबर अपना डाल रहा हूँ, और नेक्स्ट आपको डालना है बाइक की रजिस्ट्रेशन डेट, अगर यहाँ पे नहीं है तो वो आपको फिल करनी ही करनी है। तो ये एक और चीज है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी बाइक की डिटेल मैंने फिल कर दी है,
एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक ये ईयर नहीं उठाएगा ऐसे. सो दिसंबर 4. सो ये मैंने बाइक की अपनी रजिस्ट्रेशन डेट डाल दी है. नील डेप्रिसिएशन मैंने सिलेक्ट कर ली है. इंजन प्रोटेक्टर मैंने सिलेक्ट कर लिया. अगेन गाइस, मैं इन सभी कोटेशंस को रिव्यू कर चुका हूं. सबसे सस्ती मुझे यूनिवर्सल सोम्पो पड़ रही है विद नील डेप्रिसिएशन एंड इंजन प्रोटेक्टर. ओके, सो आपको पहले इन सबको रिव्यू कर लेना है. जो भी आपको सस्ता सस्ती इंश्योरेंस पड़ रही होगी और विद मैक्सिमम बेनिफिट्स, वो आपको ऑप्ट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया. तो यूनिवर्सल सोम्पो विद इंजन प्रोटेक्शन विद नील डेप्रिसिएशन 2320 रुपए की मुझे पड़ रही है. और बाकी आप देखोगे, ये आप देख सकते हो, एक 2882 रुपए की, ऑलमोस्ट 3000, 3500, ऑलमोस्ट 5000 भी है भाई. तो जो मैंने अभी कल फोन किया था आरी के ऑथराइज सर डीलरशिप में, तो उन्होंने मुझे जो रिकमेंड की थी वो की थी इन्होंने शोलामंडलम की इंश्योरेंस, जो कि पड़ रही है 3674. सो वो मैं 3674 क्यों दूं जब मुझे सेम इंश्योरेंस 2320 में पड़ रही है, राइट. सो यहाँ पे मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ. तो यहाँ पे कंटिन्यू हिट करते हैं. सो कंटिन्यू हिट करता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सोम्पो आरी की इंश्योरेंस है भाई. देखो आरी का टैग है आगे, सेम इंश्योरेंस मिलेगी आपको ऑथराइज डीलरशिप में भी. और जो मेरी बाइक की आईडीवी है वो भी सभी इंश्योरेंस कंपनीज आपको इतनी ही देंगी, और आरी के ऑथराइज डीलर भी आपको इतनी ही देंगे. तो भाई मैं ये सारी डिटेल मास्क करने वाला हूँ, मैं अपनी प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करूंगा. बट हाँ, आप जाइए, आप सब कुछ रिव्यू करिए और आपको सारी चीजें वहां पे पता लग जाएंगी खुद ब खुद. तो आप देख सकते हो फाइनल अमाउंट जो मेरा बन रहा है 2320 बन रहा है. और यहाँ पे अभी मैं इस इंश्योरेंस को रिन्यू करने वाला हूँ. और जब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा ये दो ऑप्शन, एंड देन आपको हिट करना है पे नाउ. और जब आप पे नाउ हिट करोगे, आपके पास आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो, ईएमआई ऑप्शंस का ऑप्शन भी है यहाँ पे. और फाइनल अमाउंट जैसे कि आप देख रहे हो 2320 रुपए. तो भाई अभी मैं इसको अभी अपनी पेमेंट करता हूँ, और पेमेंट करने के बाद आपको अपने कैमरा पे मिलता हूँ. सो सी यू इन अ कपल ऑफ मिनट. सो गाइज, बैक अगेन. जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरा इंश्योरेंस अपनी बाइक का भी करवा लिया है. पूरी जहां तक हो पाया मैंने आपको गाइड करने की इसमें कोशिश की है. और एट द एंड मैंने अभी जस्ट पेमेंट किया है अपनी इंश्योरेंस का. जो भी मेरा अमाउंट बनता था उसको मैंने पे किया है. और एक और चीज़ अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो आपकी जो इंश्योरेंस होगी वो रिन्यू हो चुकी होगी. इस ऑनलाइन पोर्टल का सिर्फ एक ही डिमेरिट है, वो है कि आपको अब उनको कॉल करके अपनी पॉलिसी को मंगवाना पड़ेगा. या तो आपको इनके कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा, या तो आपको डीलरशिप में जाके पॉलिसी को डाउनलोड करवाना होगा. तो दोनों तरीके से आप इस पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं. इनका थोड़ा एक प्रॉब्लम है, ये मेल पे पॉलिसी नहीं भेजते हैं. बट बेफिक्र रहिए, मैं 2 साल से सेम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने डीलरशिप में जाके इंश्योरेंस को वेरीफाई करवाया है और सब कुछ सेम है. और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली. आप चाहे एक बार रिन्यू करवाएं और जाके डीलरशिप से इसको डाउनलोड भी करवा सकते हैं, या आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पॉलिसी को भी मंगवा सकते हैं. तो भाई इस पूरी गाइड को फॉलो कीजिए और अपने पैसे बचाइए, मैं तो यही कहूँगा. अभी भी मुझे जो कोटेशन किया वो काफ़ी ज़्यादा कोट किया था, और मैंने अभी अपने 1400 रुपये मैंने बचाए हैं विद मैक्सिमम बेनिफिट और एडिशनली इंजन प्रोटेक्शन के साथ, जो कि वो ऑफर नहीं कर रहे थे. पोर्टल सेम है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, पोर्टल बिल्कुल सेम है. अगर आप आरी के डीलरशिप जाओगे, आपको सेम पोर्टल वो वहाँ पे यूज़ करेंगे विद देयर अकाउंट. और यहाँ पे हम एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर लॉग इन कर रहे हैं. तो बस यही है कि इसमें सिर्फ एक दिक्कत आती है, वो है पॉलिसी डाउनलोड करने के वक्त, जो कि आपको उनके कस्टमर केयर के थ्रू भी मिल जाएगी, या तो आपको आरी डीलरशिप से भी मिल जाएगी. तो भाई मैं यही कहूँगा कि बिफोर रिन्यूइंग योर इंश्योरेंस, प्लीज़ एटलीस्ट विजिट दिस पोर्टल एंड अपना जितना भी अमाउंट हो सकता है वहाँ पे बचाएं. सारे इंश्योरेंसेस के प्रपोजल्स को रिव्यू करें, मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑप्ट करें, और उसके बाद ही इंश्योरेंस को चूज़ करें, रेदर देन पेइंग
लमसम अमाउंट टू डीलरशिप, बिकॉज वो आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, ये डिस्काउंट आपको सिर्फ इसी पोर्टल पे मिलने वाला है और ये आपको हर साल मिलेगा। कंपनी ये डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं बट डीलरशिप हमें ये डिस्काउंट्स प्रोवाइड नहीं करवाती। तो भाई अगर आपको लगता है कि मैंने आपके कुछ पैसे बचाए हैं या आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी आपके रॉयल इनफील्ड के दो कस्टमर्स हैं या दोस्त हैं जिनके पास ये बाइक्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, और भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। तो अभी वक्त आ गया इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का, और मिलेंगे आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे अहेड एंड सी यू अगेन।